हाय, मेरा नाम शवाना है। एबेकस गुरु में आपका स्वागत है। आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देखें, बीच में ना रोके, और सब्सक्राइब करने ना भूलें, क्योंकि ताकि मैं आपके लिए और भी एबेकस के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आ सकूं और आपको दूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कैबेकस की इंफॉर्मेशन हर किसी को हो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो देश के बच्चे हैं, वो कल हमारे देश को इम्प्रूव करने वाले हैं। वो हमारे देश की नीड है। अगर वो मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, तो हमारा देश भी कल अच्छा होगा। अगर वो उनको नॉलेज होगा तो हमारा देश भी एक नॉलेज रहेगा। तो पहले बच्चों की खुशी देखें, उनको क्या पसंद है वो देखें। बच्चों को कोई भी कहीं भी हर जगह कोर्स 10 कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उनको कोई एक ऐसा कोर्स में डालें जिनसे उनको फ़ायदा हो। जैसे मैं आज एबेकस के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, इससे भी बच्चों की मेमोरी में काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है। आज मैं आपसे डिस्कशन करने जा रही हूँ कि व्हाट इज़ एबेकस और एबेकस की हिस्ट्री क्या है। ओके, एबेकस एक चाइनीज़ टूल है, चाइनीज़ में बना हुआ एक, उन्होंने एक अपना किट बनाया, जो हुनर उनको 2000 साल पुराना है। उनका बहुत 2000 साल पुराना है। बहुत एबेकस जो है, एबेकस एक कैलकुलेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एबेकस एक ऐसी टेक्निक है जिससे ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ये टेक्निक हर एक बच्चों को सीखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ये फ़ायदेमंद है। मैंने खुद अपने बच्चों में देखा है और उनमें इम्प्रूवमेंट आया, तो मुझे लगा कि एबेकस सीख के मुझे भी बच्चों को सिखाना चाहिए, इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एबेकस बहुत फ़ायदेमंद है। एबेकस से बच्चों में जो ब्रेन फंक्शन डेवलपमेंट होता है, जिससे बच्चों का ब्रेन इम्प्रूव होता है, बच्चों का लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन काम करने लगता है, जो बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों का लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन डेवलपमेंट होगा, वो काम करेगा, तभी बच्चों में इंटरेस्ट होगा पढ़ाई में, नहीं तो नहीं होगा। अगर बच्चे एबेकस सीखते हैं तो उनका ध्यान, उनका कॉन्सेंट्रेट एक ही जगह होता है, उनका ध्यान भटकता नहीं। अगर जैसा बच्चे एक बार बैठते हैं, सीखने लगते हैं, तो वो थोड़ी देर में उनका मन इधर उधर सोचने लगते हैं, घूमने लगता है, खेलने लगता है, वो चीज़ नहीं। एबेकस से बच्चों का माइंड एक जगह पे फिक्स होता है, वो काफ़ी देर तक पढ़ाई कर सकते हैं, काफ़ी देर तक रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। उनमें इतना मतलब एक ठहराव एक आता है कि वो ज़्यादा उनमें भागने एक वो चीज़ नहीं होती जो बच्चों में होती है, कि नहीं जल्दबाजी नहीं होती है, ठहराव आते हैं, वो ठहराव से करते हैं, हर चीज़ सीखते हैं, और क्वेश्चन आंसर भी उन सारे इम्प्रूवमेंट उसमें होते हैं, और उनका ब्रेन पावर एक अमेजिंग होता है, एकदम अमेजिंग, जो हम आप बिलीव भी नहीं कर सकते। बहुत डिफरेंट हो जाता है उनका ब्रेन पावर, और बच्चों को इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। एग्जाम्पल कैलकुलेशन सिखाया जाता है, एंड एक्टिविटी सिखाई जाती है, एंड नंबर्स एबिलिटीज, एंड अल्टीमेटली हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ वो लेफ्ट, दोनों हाथ को यूज़ करते हैं, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट को एंड राइट को, जब ये दोनों बिग्स को यूज़ करते हैं, तो जब उनका जो माइंड, जो हमारे जो ब्रेन है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, दोनों एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से बच्चा आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, उसका ब्रेन पावरफुल हो जाता है। अगर आप अपने बच्चों में इंटरेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि उनको भी पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, उनका ब्रेन भी एक ऐसा हो जिसे दूसरे बच्चों की लोग तारीफ़ करते, वैसे आपका बच्चा भी हो, तो प्लीज़ आप एबेकस उनको सिखाइए, बहुत ज़रूरी है बच्चों में। और बच्चों को 10 चीज़ें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे में जो टैलेंट है बच्चा वही बनेगा। प्लीज़ आप बच्चों में प्रेशर मत डालिए। और इसमें एक चीज़ और सिखाई जाती है, इसमें बच्चों को सिखाया जाता है ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइज, जिसके ज़रिए बच्चा
अपने आप को एक्सरसाइज करके इतना मतलब एक्टिव हो जाता है, इतना फिट हो जाता है वो बच्चा, मेंटली भी बहुत फिट हो जाता है, इसके मार्क्स भी बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। और वो टीचर भी शायद आपको खुद पकड़ बुला के बोलेगी कि बच्चों में क्या इतना जल्दी कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये ब्रेन एक्सरसाइज किया जाता है, बच्चों को ब्रेन एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे एक्सरसाइज होती है वैसे ही ये अलग तरीके की एक्सरसाइज है जो स्कूलों में एबेकस के टीचर स्कूलों में किया कराया जाता है बच्चों को, ताकि बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट हो। और इसमें इसके ज़रिए जब बच्चे बच्चों का दोनों दोनों हाथों से जब बच्चे एक्टिविटी करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसका इतना असर बच्चों के कि बच्चे इजीली क्वेश्चन आंसर भी याद कर पाते हैं और उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है। उनका मैथ्स के होंगे तो सारे सब्जेक्ट में उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, उनका पूरा ध्यान उनकी पढ़ाई पे होगा, वो अपने अपने मार्क्स से जो उनका उनके उनका जो दिशा है, जो उनकी पढ़ाई है, जो उनका मकसद है, उनको समझ में आएगा कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमें ये पढ़ना है। और ये एबेकस से बच्चों में काफ़ी चेंजेस हमने खुद देखे हैं, हमारे खुद काफ़ी बच्चों में चेंजेस आए हैं। आपको चाहिए तो मैं एबेकस के डेमो, हमने जो बच्चे सिखाना चाहिए दूसरे देश के बच्चे कर रहे, आगे बढ़ रहे, हमारे देश को भी ज़रूरत है, हमारे देश को भी आगे बढ़ना है। और एक चीज़ मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, हर एक बच्चे में टैलेंट है, हर एक बच्चे में एक हुनर है, आप उसके टैलेंट को समझिए। अगर आपका बच्चा कम मार्क्स लाता है, आप उसको समझिए क्यों ला रहा है, वजह क्या है, उसे बात कीजिए। वो आपको नहीं बताएगा कि मैं कमज़ोर हूँ अंदर से, मुझसे नहीं हो पाता, मैं नहीं कर पाता हूँ, नहीं हो मुझसे नहीं होगा, या आपसे वो खुल के नहीं कह पाता, लेकिन आप प्लीज़ उनसे बैठ के बात कीजिए, उनको समझिए आखिर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। उनको लिखने में प्रॉब्लम है, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम है। अगर बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, उसको पढ़ने कोई चीज़ वर्ड जोड़ के पढ़ने ही नहीं आएगा, तो वो एग्ज़ाम में लिखेगा क्या? आप पहले ये फोकस कीजिए कि उसको एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, उसके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, उसको है उसकी तकलीफ़ क्या है। अगर आप ये चीज़ जानोगे, उसको टाइम दोगे बच्चों को, तो बच्चे खुद आपको शेयर करेंगे और उनकी आप तकलीफ़ परेशानी समझ कर आप उनको हेल्प करोगे जो ज़रूरी है। अगर आप माँ एज आ पेरेंट्स हो, अगर आप नहीं उनकी तकलीफ़ समझे तो वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, जिनसे उनकी पढ़ाई में उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आएंगे जो शायद ठीक ना हो। तो प्लीज़ आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को समझिए, उनको टाइम दीजिए और उनमें जो उनकी क्वालिटी है उसको निकालिए, क्योंकि हर एक बच्चे में एक क्वालिटी है जो हम समझ नहीं पाते। अगर जब हम अपने बच्चों से बात करेंगे, उनको पूछेंगे कि बेटा आपको क्या पसंद है, आप क्या बनना चाहते हो, आपको करना क्या है, तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे और उनको अच्छा फील होगा। आप उनसे कहिए कि देखो मैं आपकी एक अच्छी मम्मी हूँ, मम्मी के साथ साथ मैं आपकी एक अच्छी फ्रेंड भी हूँ, कभी आपको कोई भी तकलीफ़ हो आप मुझसे शेयर करना, मैं आपको डांटूंगी नहीं। आप स्कूल जाते हो, स्कूल में सबकी हेल्प करना, हेल्प करने से आपको एक अच्छा फीलिंग होगा और एक आप अच्छे इंसान होंगे। देखिए अगर आप अपने बच्चों में हेल्पिंग नेचर डालते हैं तो कल वो बड़ा होकर आपको भी समझेगा, आपकी भी मदद करेगा। अगर वो सेल्फिश बनेगा, उसको सेल्फिश वो सीखेगा, तो कल वो आपको भी नहीं समझ पाएगा और आपको भी टाइम नहीं देगा। तो बच्चों में अच्छी क्वालिटी दे और उनमें अच्छी चीज़ें उनमें डालें कि वो अच्छे बने, क्योंकि वही आप कल वही हमारे फ्यूचर है, वही हमको देखने वाले हैं, जो आज हम उनको देंगे कल वो हमको रिटर्न देंगे। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों से प्यार कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।